नमस्कार, आप देखें सुपरफास्ट फ्यूचर्स और मार्केट पे आज के सत्र के प्रेशर पर दबाव तो डेफिनेटली है। फटाफट से मैं आपको आंकड़े बता दूं एफएनओ के, क्योंकि अब कहीं ना कहीं फोकस रिजल्ट सीजन पे इन्फोसिस के नतीजे पे होगा। उस पर डिटेल कवरेज होगी कि यहाँ पर इन्फोसिस पर रणनीति क्या रखनी होगी आपको नतीजों से पहले। लेकिन 9200 के लेवल को फिर से रीअटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। निचले सोच से कुछ पुल बैक मिला है, 9218 के लेवल पर निफ्टी फ्यूचर्स काम काज कर रहे हैं। ऑप्शन में आज प्रॉब्लम एरिया ये हो गई कि 9200 की स्ट्राइक साथ साथ 9300 की कॉल, ये दोनों ही कॉल्स में बहुत स्ट्रांगली राइटिंग एड ऑन शेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ओपन इंटरेस्ट में 9 लाख से ज्यादा शेयर्स जुड़े 9200 की कॉल पे और 9 लाख से ज्यादा ही शेयर्स जुड़े 9300 की कॉल पे। तो कॉल राइटिंग हेवी थी मार्केट्स पे पिछले कुछ दिनों में। पुट्स में खरीदारी काफी स्ट्रांगली एफआईएस की होती हुई नजर आई थी, और ये मैं सुबह से ही बात कर रहा हूँ कि एफआईएस की स्टेबल से पुट बाइंग एज अ हेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट शेडिंग देखिए, जो नेगेटिव सौदे थे वो कितने कम हुए हैं आज के सत्र में। ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में शेडिंग ली, लेकिन फिर भी जो नेगेटिव ट्रेड्स थे पुट में उनमें आज कमी देखने को मिल रही है। सुमित बगड़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी शुक्रिया। सर एक बार फिर से 9200 के लेवल्स को रीअटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आज की मार्केट पे, क्या आपको लगता है बाजार यहाँ से तेज होगा या फिर 9200 के लेवल के ऊपर निकले अब तो क्या यहाँ से बाजार तेज होगा या फिर अब सीरियस डैमेज हो सकता है मार्केट्स में? हाय, गुड आफ्टरनून रजत जी। वेल देखिए, ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स के अंदर ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। आफ्टर ए फॉल ये थोड़ा सा पुलबैक हमको देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वापस हमको दबाव देखने को मिलना चाहिए, और अब अगर दोबारा आज के लोज ब्रेक होते हैं तो वहां से फिर हमको एक करेक्शन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर शायद 9100 तक के लेवल्स या फिर 9080 तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकता है। आई थिंक ये पुलबैक के अंदर एक बार निफ्टी को सेल करके काम करना चाहिए। 9250 इमीडिएट रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस है निफ्टी के लिए, वो स्टॉप लॉस से सेल करें। टारगेट नीचे में 9100 के लेवल्स आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, निफ्टी बैंक पे नजरिया दें सर। एकदम से कल ऑल टाइम हाई छुआ और आज ऊपरी स्तर पर दबाव बना, किया यहाँ पर भी बिकवाली हो सकती है। जिनके पास भी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस वो होल्ड करें क्या? सही दिख रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बार ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी सेलिंग पोजीशंस क्रिएट हो रही है। अभी तक इसके अंदर निफ्टी के जैसा सेलिंग क्रिएट नहीं हुआ है, बट ऊपरी लेवल से दबाव जरूर देखने को मिला है। आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बार फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड कर सकते हैं। जब तक ये ऊपर में 21800 का लेवल दोबारा से ब्रेक नहीं होता है, तब तक एक बार वेट करें। इनफैक्ट एट प्रेजेंट लेवल से अगर कोई चांस लेना चाहे तो सेल साइड में जरूर चांस ले सकता है 21800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से, और नीचे में टारगेट 21400 एज ए इमीडिएट टारगेट, और अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो 21200 तक के लेवल्स हमको 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि फिर से 21700 के लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक, देखिए शॉर्टिंग तो हुई थी लेकिन अभी भी जितने मोमेंटम में इंडियन मार्केट्स और जो लिक्विडिटी चाहे डीआईएस के स्टेबल से बनी हो वो भी सपोर्ट कर रही है मार्केट को। हालांकि अभी चॉइस ब्रोकिंग की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, 21400 21200 के लक्ष्य के लिए 21800 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह कि आज के मार्केट में मात्र 17 पॉइंट्स की गिरावट रह गई है निफ्टी बैंक में, अब 21715 के लेवल पर पहुंच चुका है। पुष्कराज कनेक्ट साहब मेरे साथ मौजूद है। पुष्कराज शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। निफ्टी पे लेवल्स क्या देखते हैं आप? ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा एक बेरिश बायस आ रहा है। जब तक कि जो रिसेंट टॉप इसने बनाया था करीब 9270 वो कटता नहीं है, इसके चलते हुए एक जिसे कहेंगे सुपर शॉर्ट एक स्ट्रैटेजी फिलहाल अभी हम रेकमेंड कर रहे हैं जी, जिसमें कि हम निफ्टी को बेच सकते हैं करंट लेवल से और करीब करीब 9210 और 9220 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। ओके, नीचे की तरफ 9170 और 9150 तक बाजार को नीचे जाने की हमें फिलहाल ये लग रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपको मेरे से जुड़ने के लिए। आप भी यही बोल रहे हैं कि अब ऊपरी स्तर पर दबाव बनेगा, 9120 का एक लेवल आप देख रहे हैं क्लोजली क्लोजिंग बेसिस पे 9210 के लेवल के ऊपर की उम्मीद कम है आपको, बाजार 9200 पे ही है। नीरज चेड़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। नीरज शुक्रिया, आप बताएं स्ट्रेटजी निफ्टी पे क्या रखी है? गुड आफ्टरनून। देखिए निफ्टी पे स्ट्रेटजी ये रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स वही कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऑन द डाउन साइड 9150 9100 और अपसाइड 9280 9300 के पास जाके थोड़ा सेलिंग आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वी आर एट द लोअर एंड, सो दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 9140 का स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, टारगेट 9280 जा सकता है। वन मोर थिंग विच आई हैव रियली नोटिस्ड इज निफ्टी में पीसीआर अगर आप देखें तो 1 के नीचे नहीं जा रहा है, और आज 92 और 9300 के कॉल में काफी अच्छी बाइंग हुई है विद द आईवीज गोइंग अप। तो ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बाइंग उभर के आ सकती है या निफ्टी 9280 आज ही शायद कर सकती है। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका टारगेट है 9280, तो इनफैक्ट दो कॉलेज सेल की हो गई है और एक कॉल बाइक की है। ब्रजेश सिंह से भी जान लेते हैं। ब्रजेश जी शुक्रिया सर, आप नेगेटिव हैं क्या मार्केट पे? दबाव देखते हैं निफ्टी पे, टारगेट बताएं। गुड आफ्टरनून। देखिए ओवरऑल सेंटीमेंट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से बात करेंगे तो दबाव तो है,
बट मैं उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह प्ले करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर होराइजन अगर आप देखते चलते तो 9,000-9,020 नीचे का स्तर है, जो कि मुझे लगता है कि वो ब्रेक नहीं करना, जब तक वो होल्ड ऑन करेगा तब तक आपका बुल इंटैक्ट रहेगा। ऊपर में आपका 9,300 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, तो ये 300 पॉइंट के दायरे में अगर मार्केट यहाँ और कंसोलिडेट करता है तो आने वाले 1 से 2 महीने में निफ्टी आपको 9,450 और 9,600 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। रही बात एकाध दिन के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, स्विंग डे ट्रेडिंग के हिसाब से, तो मेरा मानना यह है कि कोई भी डिप में बाइंग कर सकते हैं। 9140 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए और 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एक बार दोबारा रीटेस्ट करेगा 9240 के लेवल को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो 2 कॉल्स खरीदारी की होगी और 2 कॉल बिकवाली की, तो कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, बाजार ऐसे ही करता है। जब पहली बार बिकवाली होती है तो एक कंफ्यूजन हो जाती है ट्रेडर्स के मन में, और वही है निचले स्तरों पर 9120-9140 मैक्सिमम डाउनसाइड, अपर एंड कैप है 9280 पे। रिजल्ट सीजन ऑन है, एक दायरे में कामकाज होगा, लेकिन सेंटिमेंट वाइज आज थोड़ा डेंट डेफिनेटली मार्केट्स पे देखने को मिला, चाहे वर्ल्ड मार्केट से ट्रिगर ले लें या फिर FIIs की बिकवाली कैश मार्केट पे, कोई भी ट्रिगर चुन लें, आज मार्केट्स पे ऊपरी स्तरों पर दबाव है। 9203 के लेवल पे है निफ्टी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कल का सेशन बाजार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस के नतीजे क्लोजली ट्रैक करेंगे मार्केट में, सबसे पहले आपको रिजल्ट्स बताएंगे कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसके बाद नितिन मुरारका साहब मेरे साथ मौजूद रहेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशंस कैसे बन रही है इन्फोसिस पे और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए नतीजों से पहले जो आपको प्रॉफिट दिलाए। अंचल मौजूद है, अंचल बताएं इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या मुनाफे में कमी का अनुमान है, क्योंकि जो वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं उसमें ये है नेगेटिव रोल ओवर्स हुए, शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज्यादा सिस्टम में। शुक्रिया रे, देखिए इस बार इन्फोसिस के नतीजों में कई सारे पैरामीटर होंगे जिस पे आप उसे जज करिएगा। एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, इस बार ही कंपनी की रुपी टर्म्स में आए फ्लैट रहने का अनुमान है, 0.1% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वहीं डॉलर टर्म्स रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो डॉलर रेवेन्यू करीब 1.5% बढ़ता हुआ दिखेगा। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहेगा क्रॉस करेंसी हेडविंड, क्रॉस करेंसी टेलविंड्स कैसे प्ले करती हैं और इस बार रुपी अप्रिसिएशन का इंपैक्ट कितना आता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्योंकि डॉलर बाकी करेंसियों के मुकाबले इस बार वीक हुआ है, बाकी करेंसियों में पाउंड, रूबल, येन, इन सब में मजबूती आई है, तो उसका फायदा क्रॉस करेंसी टेलविंड्स के तौर पर कंपनी को मिलेगा और 0.4% तक का सपोर्ट कंपनी को मिल सकता है क्रॉस करेंसी के चलते। लेकिन रुपया इस तिमाही के दौरान 1.5% से ज़्यादा मजबूत हुआ है, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी के एबिट और एबिट मार्जिन पे साफ तौर पे दिखेगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कंपनी का एबिट ऑलमोस्ट 0.25% गिरता हुआ दिखेगा, वहीं एबिट मार्जिन में 40 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है, यानी 24.7% पर कंपनी के एबिट मार्जिन रह सकते हैं। जहाँ तक रही बॉटम लाइन की, तो आंकड़ा ये कहता है कि 4% गिर कर 3,560-3,570 के आसपास कंपनी का मुनाफा रह सकता है। दूसरा क्रिटिकल एस्पेक्ट इस बार नतीजों में रहेगा FY18 के लिए गाइडेंस क्या दी जाती है। अनुमान ये कहता है कि 8-10% की गाइडेंस इस बार कंपनी देती हुई दिखेगी, लेकिन साथ ही FY17 की जो उन्होंने गाइडेंस रिवाइज की थी Q3 में 8.4 से 8.8, उसको मीट करती है या उसे मिस करती है वो भी काफ़ी क्रिटिकल रहेगा और कहीं ना कहीं दिशा तय करेगा किस तरफ शेयर जाएगा। और लास्टली बायबैक को लेकर काफ़ी प्रबल संभावना है कि इस बार ही कंपनी बायबैक अनाउंस कर सकती है और 12,000-13,000 करोड़ का खर्च हो सकता है बायबैक के ऊपर। तो आप जब नंबर्स को कंपेयर करें, कंपनी को कितना क्रॉस करेंसी सपोर्ट मिल रहा है, रुपी से कितना डेंट पड़ रहा है वो क्रिटिकल रहेगा, साथ ही अपनी गाइडेंस क्या देती है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, और अपनी एग्जिस्टिंग FY17 गाइडेंस मीट करती है या मिस करती है वो शेयर प्राइस के मूवमेंट को डिसाइड करेगा। और लास्टली बायबैक आता है तो किस भाव पर आता है, और अगर नहीं आता है तो वो नेगेटिव फैक्टर है।